हाँ ये प्रॉब्लम देखिए बेटा क्या कह रहा है, ये आपका एक इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, लेमडा लिनियर चार्ज डेंसिटी है। इसके पास एक रेक्टेंगुलर शीट रखी हुई है जिसकी विड्थ डब्ल्यू है, लेंथ एल है, ठीक है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर शीट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो ये सिचुएशन है जैसे मैंने बताया आपको अभी, ये आपका इनफाइनाइट वायर का रेडियल फील्ड होता है, इस तरीके से पता होना चाहिए। मान लो आपका ये इनफाइनाइट वायर है तो उसके पास इस तरह से एक शीट रखी हुई है, लेंथ एर विड्थ डब्ल्यू, और इस शीट से टोटल फ्लक्स निकालना है। एक तरीका इंटीग्रेशन से भी अगर आप बनाना चाहें, इंटीग्रेशन भी बनता है ठीक है, बट बिना इंटीग्रेशन के बहुत सिंपली सिमेट्री से हम कैसे करेंगे इसको वो देखना है आप, ठीक है। तो देखिए इसका मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका इस तरह का फील्ड है, और यहाँ पर कहीं मान लो इस तरह से वो रखी हुई है आपकी रेक्टेंगुलर शीट। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? क्योंकि तो यहां से भी एक सिलेंडर ड्रॉ कर सकता हूँ ना, ठीक है ना। इसकी कॉर्ड, जिसकी कॉर्ड क्या हो जाएगी, जिस सर्कल की कॉर्ड, ये इसकी शीट की लेंथ हो जाएगी, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि इससे ये डिस्टेंस और इसके कॉर्नर से ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो इसी का टॉप व्यू मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो आपको कितनी पिक्चर क्लियर होती है उससे, कि आपका ये बीच में सेंटर पे वायर है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शीट कहीं पे यहाँ दिखेगी बेटा एक, जिसकी ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो जाएगी इसकी डब्ल्यू लेंथ, ऊपर से दिखेगी एल लेंथ तो अंदर चली गई, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे यहाँ पर ये शीट रखी हुई है, ये आपका इनफाइनाइट वायर है। तो आपको काफी पिक्चर क्लियर हो रही है क्या इसको सिचुएशन? आपको फ्लक्स निकालना है, टॉप व्यू मैंने आपको दिखा दिया, तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, बल्कि सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, मैं तो ये कहूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था 12 वायर वाला निकालना, वो वैसा की वैसा बन गया है प्रॉब्लम। अब ऐसा कि ऐसा एक तीसरा प्रॉब्लम और है जो आया हुआ एडवांस, वो आप अपने आप करेंगे। देखो सब सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आपको ये फ्लक्स निकालना है, तो इसका रेडियल फील्ड आपको क्लियर है, तो कौन सा फ्लक्स आ रहा है? ये सारा फ्लक्स बेटा जो इस सर्कल से जा रहा है ना, इस पार्ट से, इस सर्कल के, वो सारा की सारा रेक्टेंगुलर शीट से जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये आपका वायर था, ये आपकी शीट थी, तो इसको आपने टॉप व्यू अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह का आ जाएगा। ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ कहीं शीट आएगी इस तरह की, ठीक है, और इससे रेडियल फील्ड निकल रहा है। तो इतने पार्ट से इस सर्कल बन रहा है, एक सर्कल आप इसको एक सिलेंडर भी मान सकते हैं, नीचे एल लेंथ का सिलेंडर मान सकते हैं, ठीक है। तो इस एल लेंथ के सिलेंडर से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो सारा की सारा इस शीट से भी पास हो रहा है, ठीक है। और इतने पार्ट से, इस सर्कल के या सिलेंडर के इतने पार्ट से कितना फ्लक्स आ रहा है, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, कोई बात ही नहीं है इसमें। आप क्या करेंगे, ये एल लेंथ जो है अंदर, जो वायर की एल लेंथ है, उससे कितना फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। तो सारी जरूरत क्या पड़ रही है आपको, बस ये थीटा की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, और किसकी जरूरत पड़ रही है? और किसी की जरूरत तो नहीं लग रही, मुझे केवल इस थीटा की जरूरत लग रही है। डब्ल्यू है और ये भी आपको आर गिवेन है, तो ये आपका थीटा बाई टू हो जाएगा, तो ये टेन थीटा बाई टू कर लो, या कॉस थीटा, किसी की टर्म में, जिसकी टर्म में आंसर हो, डब्ल्यू अपॉन आर आ जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं? डब्ल्यू बाई टू आएगा, डब्ल्यू बाई टू आर। देखो टेन थीटा बाई टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बाई टू आर आ जाएगा, चेक करो एक बार, ठीक है ना। तो थीटा बाई टू कितना आएगा आपका, टेन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू आर आ जाएगा। यार ये के बाद सबको समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखने का नजरिया है बस अपना। इस पूरा जो सिलेंडर है आपका एल लेंथ का, इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स जाएगा, वो गॉस लॉ से निकाल देंगे। फ्रॉम गॉस लॉ, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू, फ्रॉम ग्रॉस लॉ ऑफ फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। देख लीजिए कितना आसान है, आपको पता है कितना होगा, गॉस लॉ से लिख सकते हैं, पूरा क्लोज सिलेंडर मान लें, जो ऊपर वाली सर्फेसेज होंगी उससे तो फ्लक्स आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि रेडियल फील्ड होता है इनफाइनाइट वायर का। समझ में आ रही है बात सबको बेटा? तो एल लेंथ के सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा पूरे सिलेंडर से, ठीक है ना। तो किस, ये पूरे किससे जा रहा है, ये पूरा 2 पाई रेडियन से। देखो गॉस में प्लेन एंगल से ही कर दे रहा हूँ मैं तो सारे, मैं तो वो सॉलिड एंगल भी नहीं लगा रहा। 2 पाई एंगल से ये पूरा सर्कल कितना बनाता है, 2 पाई, तो कितना फ्लक्स जा रहा है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल से कितना जाएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा अपॉन 2 पाई। बताइए
लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा अपॉन 2 पाई फ्लक्स पास हो, और थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी जान चुके हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा? लेमडा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा बाई 2 की यहां से रख दीजिए, टेन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन 2 आर, ये आपका फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि इस रेक्टेंगुलर शीट से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा, लेमडा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट टेन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन 2 आर। इसमें किसी को डाउट है कि बेटा कैसे निकाला मैंने? पूरा एक सिलेंडर इमेजिन कर पा रहे हैं, जो आपका ये शीट है इसके चारों ओर, इसको एनक्लोज करने वाला एक सिलेंडर है मान लो इसके चारों ओर, तो सिलेंडर से रेडियल फील्ड निकल रहा था पूरा, कितना निकल रहा था? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कितना इस शीट से जाएगा, इस ये सारा जो निकल रहा है, इस थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, इसमें से जितना फ्लक्स जा रहा है सारा शीट से जा रहा है, ठीक है। अब 2 पाई एंगल होता तो टोटल फ्लक्स कितना जा रहा था? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थीटा एंगल होगा तो कितना जाएगा? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा अपॉन पाई। तो थीटा की वैल्यू आपने यहां से निकाल ही लिया, आप टेन कॉस थीटा बाई 2 की टर्म में आंसर था, आप टेन थीटा की टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा आंसर हो, टेन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 2 आर, थीटा बाई 2 टेन इनवर्स, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसमें किसी को थोड़ी भी दिक्कत बेटा वो मेरे को बताए, किसी ने कर लिया था वो भी बताए, किसी ने कर लिया था अपने आप ये?